बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आईवाईसी स्कूल से आपकी उर्दू की टीचर मुखातिब हूँ। मेरे बच्चों, आपको मैंने ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी जो आपने अभी चंद रोज पहले मनाई। मुझे उम्मीद है बहुत मजा आया होगा, खूब खुशियां मनाई होंगी। जी हाँ मेरे बच्चों, सबने बहुत खुशियां मनाई। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, एक अपनी रफ कॉपी, एक पेंसिल और दर्सी किताब अपने करीब रख लीजिए, ताकि जो मैं अहम पॉइंट बताती जाऊं उनको आप नोट करते जाए। जी आपकी दर्सी किताब उर्दू की क्लास 3 की, इसका सफा नंबर खोलिए 41। 41 सफा नंबर खोलने से पहले यहाँ चंद मनाजिर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाँ समझ गए होंगे जी, ये ईद का मंजर है। वो देखें, चांद नजर आ रहा है, दुआ मांगी जा रही है, नमाजें पढ़ी, ईद की नमाज हो रही है, ईद की नमाज के बाद खाने खाए जा रहे हैं अच्छे अच्छे, और फिर अम्मी अब्बू ने, नाना नानी ने, दादा दादी ने जो ईदी दी है वो बच्चे वसूल कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। देख रहे हैं ना मेरा बेटा, ये ईद का मंजर है जी। आज जो मैं आपको सबक पढ़ाऊंगी वो है ईद उल फितर। ईद उल फितर जो है, इसमें पहले हम रोजे रखते हैं। जी हाँ, रोजे कितने होते हैं, 29 या 30। जी मेरा बेटा, तो मेरे बच्चों जल्दी से अपना जो है दर्सी किताब का सफा नंबर 41 ओपन कर लीजिए। देख जी हाँ, अब जो मैं पढ़ती जाऊंगी इसकी वजाहत भी करूंगी, आप बहुत गौर से मेरा बेटा सुनिएगा, और जो सवाल मुझसे पूछना हो वो नोट कर लीजिएगा, और उसका जवाब जो है वो मैं आपको लेसन के आखिर में दूंगी। ठीक, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबक ईद उल फितर। आज रमजान मुबारक का 25वां रोजा था, बच्चों को स्कूल से छुट्टियां थी, दरवाजे की घंटी बजी, हसन लपक कर गया और पूछा कौन है। बाहर से आवाज आई, मैं डाकिया हूं, अपनी डाक ले ले। हसन ने दरवाजा खोला और डाकिये से खत वसूल करके अंदर कमरे में चला आया। हसन का चेहरा खुशी से खिल उठा, हसन के नाम पुपी जान का खत था। हसन ने खत खोला और बुलंद आवाज से पढ़ने लगा। हाँ भाई, ये जो इतना पैराग्राफ है इसमें ये बताया गया है कि रोजा जो है वो 25वां है। अब वो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि रोजे या 29 होते हैं या 30। अब ये 25वां रोजा था, छुट्टियां थी और उनकी पुपी जान ने हसन को खत लिखा। पुपी जान का खत देकर बहुत खुश हुआ। अच्छा भाई बच्चों, उनकी पुपी जान जो है वो सायवाल में रहती हैं, और ये खत उन्होंने लिखा है 28 जून को, उन्हें 2016 की बात कर रहे हैं हम इस सबक में, सही है। तो यहाँ वो मुखातिब कर रही हैं किसको, हसन को, और वो खत में क्या तहरीर कर रही हैं, चलें भाई पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। किससे बातें कर रही हैं, हसन से। आपका खत मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। आपने सब घर वालों की तरफ से इस बार हमें सात ईद मनाने की दावत दी है। आपसे पहले आपकी अम्मी जान भी हमें ईद के मौके पर लाहौर आने की दावत दे चुकी हैं। इस बात को सुनकर साद और इरम भी खुश हुए। साद और इरम कौन है, वो इनके बहन भाई हैं। काफी अरसा हो गया लाहौर आए हुए, इस बहाने सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। मैंने आपके फूफा से इजाजत ले ली है, इंशाल्लाह हम सब रमजान की 29 तारीख को पहुंच जाएंगे और ईद की खुशियां एक साथ
मनाएंगे। सब घर वालों को सलाम और आमना को प्यार, आपकी पुपी जान। हाँ भाई, इस खत में क्या है, पहले तो हसन ने दावत दी कि पुपी जान आप हमारे साथ ईद मनाए लाहौर आकर, लेकिन उससे पहले उनकी अम्मी जान यानी हसन की अम्मी जान पुपी को कह चुकी थी कि भाई आप अपने बच्चों के साथ आ जाइए और हमारे साथ ही ईद मनाइए। अब जो है इन्होंने इस खत में इनको वाजे कर दिया कि भाई हम आ रहे हैं और इंशाल्लाह 29 तारीख को पहुंच जाएंगे। जैसा मैंने पहले बताया 29 का भी चांद हो सकता है, तो इसलिए वो ईद से एक दिन पहले लाहौर पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, खत तो समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे चलते हैं। 29वें रोजे को अफ्तारी से पहले फूफी जान अपने बच्चों के साथ लाहौर पहुंच गई। हाँ मेरे बच्चों, अब जो दीदी जो फूफी थी वो साहेवाल से लाहौर पहुंच गई। आपको मैं यही बता दूं, साहेवाल से लाहौर तक का रास्ता तकरीबन 7 या 6 घंटे का है। अब फूफी जान लाहौर पहुंच गई 6-7 घंटे में। अम्मी जान ने अफ्तारी पर खाने पीने की चीजों का इंतजाम कर रखा था। सब ने मिलकर रोजा अफ्तार किया, नमाज मगरिब अदा की और छत पर ईद का चांद देखने चले गए। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। अचानक फूफी जान की बेटी इरम ने खुशी से कहा, वो देखें, वो रहा चांद। सब उस तरफ देखने लगे जिस तरफ उसने इशारा किया था। वो रहा, वो रहा। सब चांद को देखकर दुआ मांगने लगे। बारीक सा चांद आसमान पर ईद की खुशी की खबर दे रहा था। जी हाँ मेरे बच्चों, जब अफ्तारी से अम्मी जान ने रख दी, तो अफ्तारी से जब वो फारिग हुए तो वो 29वां रोजा था। अब जल्दी से फारिग होने के बाद वो छत पे चले गए। छत पे हल्के हल्के बादल थे, सब ने चांद देखने की कोशिश शुरू कर दी और जो है वो बारीक सा चांद नजर आया। बच्चों ये चांद किस तरह का होता है, जैसे टूटी हुई चूड़ी, बारीक सा, और इसको हिलाल कहते हैं। पहली तारीख के चांद को हिलाल कहते हैं और 14 तारीख का चांद जो है वो मुकम्मल हो जाता है गोल सा, उसको बदर कहते हैं। अब क्या हुआ, जब चांद नजर आ गया सब बहुत खुश हुए। सब दुआ मांगने के बाद एक दूसरे को ईद मुबारक की दावत देने लगे, खुशखबरी देने लगे। घर की औरतें सुबह के लिए मीठा तैयार करने लगी। हाँ मेरे बच्चों, यहाँ मैं एक बात बता दूं, ये मीठा इसलिए तैयार किया जाता है, ये हमारे रसूल की सुन्नत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन ईदगाह जाने से पहले मीठा नोश फरमाया करते थे। और वो मीठे में क्या होता था, सेवइयां होती थी या दूध में भीगी हुई खजूरें होती थी जो रात को भिगो दी जाती थी। इसलिए मुसलमान अब तक रसूल की सुन्नत पर अमल करते हैं और ईदगाह जाते वक्त घर से या मीठी सेवइयां खाकर जाते हैं या वो खजूर वाला दूध और खजूर खाकर घर से निकलते हैं। अच्छा, तो बच्चों मैं बात कर रही थी कि उनकी अम्मी ने भी जल्दी से इस चीज की तैयारी शुरू की, मीठा बनाया, और बच्चे अपनी ईद की तैयारी एक दूसरे को दिखाने लगे। कमरे में एक तरफ चमकीले कागज में लिपटे हुए चंद डब्बे पड़े हुए थे। साद ने पूछा, ये क्या है? हसन ने जवाब दिया, अब्बू जान हर साल एक अदारे में मुकीम बच्चों के लिए ईद के तहाइफ लेकर जाते हैं। अब ये तहाइफ आगे बताऊंगी, ये तहाइफ किस लिए लेके जाते हैं। इन डब्बों में इन बच्चों के लिए कपड़े और जूते हैं। साद ने हसन को बताया, हमारी अम्मी जान भी लाहौर आने से पहले महल्ले में मौजूद चंद मुस्तहिक घरानों में ईद का सामान देकर आई है ताकि वो भी ईद की खुशियां मना सकें।
अम्मी जान कहती हैं खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। पहले तो हसन के जो अप्पू हैं वो जहां नौकरी करते हैं वहां जो है जरूरतमंदों के लिए, जरूरतमंद बेटा आपको पता है किसको कहते हैं, यानी हमारी जिंदगी की कुछ जरूरियात होती हैं। क्या होती है? खाना, कपड़ा, जूता और चंद जरूरी चीजें जो हमारे लिए बहुत अहम होती हैं। तो उनके अब्बू क्या करते हैं, जो लोग ये जरूरतें अपनी पूरी नहीं कर सकते, नहीं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी खाने पीने के अलावा बाकी चीजें खरीद सके, तो उनके अब्बू जो हैं उनके लिए तो तहाइफ तैयार करते हैं, यानी बॉक्स बनाते हैं, डब्बे बनाते हैं, उनमें जरूरत की चीजें रखते हैं, यानी जूते, कपड़े और छोटी मोटी चीजें रखकर उनको तोहफे के तौर पर देते हैं इन लोगों को जो जरूरतमंद होते हैं। जब हसन ने अपने अब्बू की ये बात बताई तो साद जो इनके फूफीजाद भाई हैं, इन्होंने बताया कि हमारी अम्मी भी जब यहाँ लाहौर आ रही थी, आने से पहले उन्होंने महल्ले में चंद लोग ऐसे थे मुस्ताहिक, यानी वो जरूरियात जिंदगी अपनी पूरी नहीं कर सकते, जरूरतमंद हैं, हकदार हैं हमारी चीजों के, उनको कहते हैं मुस्ताहिक। तो क्या किया अम्मी जान ने, उनके लिए चंद चीजें तैयार की और उनकी अम्मी ने भी इसी तरह कपड़े, जूते और चंद जरूरत की चीजें किसको भिजवाई, महल्ले में जरूरतमंद लोगों को। मुझे यकीन है मेरे बच्चों ये पैराग्राफ भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जी आगे चलते हैं। अगरचे गर्मी का मौसम था लेकिन ईद उल फितर की सुबह बहुत रोशन थी। हसन और साद घर के मर्दों के साथ ईदगाह नमाज अदा करने चले गए। जाने से पहले सब घर वालों ने मिलकर मीठी सेवइयां खाई। ईद की नमाज पढ़कर सब लोग एक दूसरे से गले मिले और ईद की मुबारकबाद दी। बच्चों ने बुजुर्गों से ईदी वसूल की। जी मेरा बेटा, इस पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है कि गर्मी तो थी लेकिन ईद की सुबह बहुत रोशन थी। भाई रोशन तो इसलिए थी ना, दिल भी खुश था, अम्मी भी खुश थी, पप्पू की जान भी आई हुई थी, तो इसलिए भाई वो दिन तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब बच्चों ने क्या किया, साद ने और हसन ने कहां जाने की तैयारी कर ली, ईद का। अच्छा मेरे बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि ईद की नमाज ईदगाह में इसलिए होती है कि ज्यादा तादाद में लोग एक ही जगह इकट्ठे होकर नमाज पढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुसलमान ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों से मुलाकात हो, जो अल्लाह को पसंद आए अमल, और सिवैया जो मैंने बताया खाई वो इसलिए खाई कि हमारे रसूल की सुन्नत है। अच्छा एक बच्चों यहाँ और आपको बात बताती जाऊं, याद कर लीजिएगा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद की नमाज के लिए जाते थे तो एक रास्ते से जाते थे और दूसरे रास्ते से वापस आते थे। अब आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा क्यों, वो इसलिए कि जब आप घर से निकलेंगे तो अपनी गली से जब जाएंगे तो अपने गली वालों से ज्यादा लोगों से मुलाकात हो जाएगी। अब जब ईदगाह से वापिस आएंगे तो क्या होगा कि दूसरी गली वालों के लोगों से मुलाकात हो जाएगी और इस तरह हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से जब ईद मिलेंगे तो उस हमारा रब और रसूल जो है वो खुश होंगे कि देखो भाई मेरे जो मानने वाले हैं मुसलमान हैं वो मेरी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। और ईदगाह का भी मैंने बता दिया कि ईदगाह जो है इसलिए जाते हैं ताकि ज्यादा लोग वहां आ सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात हो। ईद में आपने देखा होगा ना बहुत सारे लोग एक ही वक्त में ईद की नमाज अदा करते हैं, हाँ इसलिए ईदगाह जाते हैं। अब जब नमाज हो गई अब वापिस आए, अब जब बच्चे वापिस आए
तो बच्चों ने अब शुरू कर दिया, लाए भाई ईदी दें और सबको ईदी दी। और जब वो गली में वापस आ रहे थे और नमाज पढ़ रहे थे तो क्या अमल कर रहे थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे। बच्चों गले मिलने से पता है क्या होता है, हमारे प्यारे नबी ने फरमाया गले मिलने से सारी बुराइयां बिल्कुल धुल जाती हैं, इंसान का दिल जो है वो पाक साफ हो जाता है और एक दूसरे की मोहब्बत पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। बच्चों पता है ईद के दिन सबसे अच्छी बात क्या हुई, ये कौन बता रहे हैं, हसन। दोपहर के खाने पर हसन के वालिद ने गली में रहने वाले असलम सब्जी फरोश और उनके घर वालों को भी खाने पर बुलाया। अब देखिए हसन के अब्बू ने एक और अच्छा काम किया, ये जो इनकी गली में रहते थे असलम साहब वो सब्जी फरोश थे, तो वो भी मुस्तहिक लोगों में आते थे, उनके पास भी इतनी जरूरियात जिंदगी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चले फूफी भी इनकी इधर ही है, उनके बच्चे भी हैं, तो इनको भी खाने पे बुला लिया जाए, इनको भी अच्छा सा खाना खिलाया जाए ताकि अल्लाह ताला भी खुश हो और असलम साहब और उनकी फैमिली भी खुश हो जाए। तो उनको भी बड़ी अच्छी तरह खाना खिलाया। फिर अम्मी जान ने असलम के बच्चों को भी ईदी दी। अब क्या किया अम्मी जान ने, घर के बच्चों को तो ईदी दी ही थी लेकिन उनको भी अपना ही बच्चा समझकर उनको ईदी दी ताकि वो भी खुश हो जाए और अपने साथ ईद की खुशियों में शामिल किया। मेरे बच्चों ईद पर हम दूसरों को तोहफे देकर तहाइब देकर इसी तरह अपनी खुशियों में शामिल करते हैं। अब शाम हुई, शाम को सब मिलकर हसन के नाना के घर गए और यूं ईद की खुशियां मुकम्मल हुई। अब जब शाम हुई तो बच्चों ने कहा अब चलो भाई नाना जान के घर चलते हैं और वहां से भी ईदी लेते हैं सब मिलके, यानी हसन के बहन भाई और फूफी जान के बच्चे सब मिलके नाना के घर गए और वहां जो है सबने खाना वाने भी जरूर खाया, चाय भी पी और उसके बाद जो है उनसे ईदी वसूल की। जी मेरा बेटा आपको एक चंद बातें बहुत जरूरी बता रही हूँ, मेरा बेटा जो आपने कॉपी पेंसिल पास रखी है उस पे नोट करते जाइए। पहली बात ये जो ईद उल फितर है ना, इसमें हम फितरा भी देते हैं। फितरा वो रकम है जो हम रमजान के रोजे रखने की खुशी में देते हैं कि अगर कोई रोजे में हमसे गलती हो गई हो तो वो अल्लाह ताला जो है हमारी माफ कर दे। और इसी ईद उल फितर में हम जो है ज़कात भी अदा करते हैं, ज़कात भी जरूरतमंदों को दी जाती है, इसलिए दी जाती है ताकि उनकी खुशियां भी हमारी तरह दुबाला हो जाए। और मेरे बच्चों ये जो महीना है शवाल, ये जो है ईद उल फितर की का महीना है। ईद उल फितर हम कम मनाते या कम शवाल, आपको पता होगा कि ये साल का 10वां महीना है। इस्लामी महीने तो आपको आते ही होंगे इंशाल्लाह, हाँ मुझे पता है होगा। चले मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ, मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउस सानी जमादिउल अव्वल जमादिउस सानी रजब शबान रमजान शवाल ज़िकत ज़िलहज। जी मेरा बेटा इस सबक में कुछ अल्फाज आए वो आप देख लीजिए, जिनके मायने मैं आपको बता रही हूँ। लपक कर दौड़ कर, शवाल इस्लाम का इस्लामी महीनों का 10वां महीना, ईद का खुली जगह ताकि सब वहां नमाज पढ़ सके, एतमाम इंतजाम मुकम्मल पूरी, मौसूल हासिल हुआ या वसूल किया यानी खत लिया था ना उन्होंने, डाक खत या तार
मुझे यकीन है समझ आ गया होगा। इसी सबक के कुछ सवालात हैं, गौर से सुनिए और देखिए। सफा नंबर 45, फूफी जान का खत, कौन से रोजे को मौसूल हुआ? जी हाँ, पता है आपको, 25वें रोजे को मौसूल हुआ। फूफी जान कौन से शहर में रहती थी? जी हाँ, फूफी जान साहिवाल शहर में रहती थी, बिल्कुल सही। ईद उल फितर किस इस्लामी महीने में मनाई जाती है? जी, ईद उल फितर इस्लामी महीना शवाल यकम तारीख और 10वां महीना है। ईद का चांद किस तरह का होता है? बहुत बारीक, एक टूटी हुई चूड़ी की तरह। हसन ईद की नमाज अदा करने कहाँ गया? जी, हसन ईद की नमाज अदा करने ईदगाह गया, इसलिए ईदगाह खुली जगह होती है, वहां ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाते हैं। ठीक है मेरा बच्चा। अच्छा बच्चों, यहाँ मैंने ना आपको एक वजाहत कर दूं, इसमें मैंने कुछ अल्फाज जो थे वो इसमें बारफा के इस्तेमाल किए और कुछ इसमें नकरा के। अब मैं इनकी थोड़ी वजाहत कर दूं। मारफा जो है ये इसमें खास है, किसी भी खास जगह चीज शख्स के मखसूस नाम को इसमें मारफा कहते हैं। मसलन अली, काली बिल्ली, कराची, नान कताई वगैरह, यानी ये खास नाम है। कराची एक ही है, बहुत सारे नहीं है, सही। नान कताई एक ही उसका नाम है, कोई दूसरा नाम नहीं होता। काली बिल्ली ही होती है, कोई उसका और नाम नहीं हो सकता। अली एक ही नाम है, ठीक है मेरे बच्चों। और इसमें आम, इसमें नकरा, किसी भी आम नाम को इसमें नकरा कहते हैं, यानी कोई सा भी नाम। बिल्लियां बहुत सारी घूमती हैं, आपके घर में भी होगी, मेरे घर में भी होगी, महल्ले में भी होगी। मेज, जी हाँ, हम स्कूल जाते हैं, मेज कुर्सी होती है, घर में भी होती है। लड़का, जी लड़के इतने सारे पढ़ते हैं स्कूलों में। शहर, पाकिस्तान के बहुत सारे शहर हैं, अमेरिका के बहुत सारे शहर हैं, यानी किसी भी आम चीज के नाम को इसमें नकरा कहते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, मुझे यकीन है आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। अब मैं एक स्लाइड दिखा रही हूँ, अब आप मुझे बताइएगा इसमें से कौन सी जो है चीज वो इसमें आम है और कौन सी इसमें खास है। चले पहला एक मैं कर देती हूँ, किताब इसमें आम है क्योंकि किताबें बहुत सारी हैं। अगर मैं इसको एक मखसूस किताब कहती पुराने पाक तो तब मैं इसमें खास कहती, अभी तो मैंने बस किताब का लफ्ज यूज किया, इसलिए मैं इसको इसमें आम में ले आई। अच्छा, अब मैंने कहा पुराने मजीद, ये आसमानी किताब है, इसको मैं इसमें खास में लेके जाऊंगी, यानी ये आसमानी किताब है, इसके अलावा और किसी किताब का नाम पुराने मजीद नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरी लिस्ट आपके सामने है, आप इसमें से इसमें आम और इसमें खास को चुनकर अलहदा करेंगे। अच्छा भाई मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आपको कुछ घर का काम ये अल्फाज के जुमले देंगे, मुझे यकीन है ये भी आपको बनाने आ जाएंगे। रमजान, जी रमजान का जुमला होगा, रमजानुल मुबारक बरकतों का महीना है। यस, खत, अरशद ने अम्मी जान को प्यार भरा खत लिखा, क्योंकि बेटा जब भी आप अपनी अम्मी को खत लिखेंगे उसमें प्यारी प्यारी बातें लिखेंगे ना, प्यार वाली। जी, ईद उल फितर, यकम शवाल को सब मुसलमान ईद उल फितर मनाते हैं। जी, ईदगाह, ईदगाह जाते वक्त एक रास्ते से जाएं और दूसरे रास्ते से वापस आएं, ये सुन्नत नबवी है। अच्छा, चमकीले, हाँ चमकीले कपड़े कौन पहनता है? बहन पहनती है। जी, मेरी बहन ने ईद पर बहुत चमकीले कपड़े पहने। ये तो बच्चों जुमले जो थे मैंने बनाए, लेकिन
आप अगर इससे भी ज्यादा अच्छे जुमले बनाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और मुझे यकीन है मेरे बच्चे जो है मेरे से भी ज्यादा अच्छे जुमले बनाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, ये जुमले बनाइएगा। अच्छा भाई बच्चों, अब आ जाते हैं जरा खाली जगह पर। अब आपका थोड़ा सा इम्तिहान है, लेकिन मुझे यकीन है आप कर जाएंगे। रमजानुल मुबारक का डैश रोजा था। अच्छा भाई, यहाँ चॉइस दी हुई है 23वां, 25वां, 27वां। बताइए फूफी जान का लखत कब आया था? जी हाँ, 25वां। जी नंबर दो, डैश की घंटी बजी, घर, अस्पताल, स्कूल। हाँ भाई बता दूं, हसन कब खुश हुए थे? कब खुश हुए थे? जब घर की घंटी बजी थी, डाके आया था। नंबर तीन, हसन ने डाके से डैश वसूल किया, मनी ऑर्डर, तार, खत। अच्छा बेटो, यहाँ एक और बता दूं मैं आपको, मनी ऑर्डर जो है ये पैसे आते हैं कुछ, यानी अगर मैं आपको ईदी डाक के जरिए भेजना चाहूंगी तो मैं मनी ऑर्डर करूंगी, सही। और ये जो तार होता है ये बहुत इमरजेंसी, अगर मुझे कोई टीसीएस करना हो फिर मैं करता, ऐसे आपको कोई मैसेज दूंगी। अच्छा, हसन ने डाकिये से क्या लिया? खत लिया। जी किसका? फूफी जान का। नंबर चार, हसन के नाम डैश का खत आया था, ये तो वही अब याद ही हो गया होगा। नानी जान, खाला जान, फूफी जान। जी हाँ, फूफी जान का, और हसन बहुत खुश हुआ था। ठीक है मेरे बच्चों, यकीन है समझ आया होगा। फूफी जान डैश शहर में रहती थी, सायवाल, पिंडी, मुल्तान। कहाँ रहती थी भाई? सायवाल। ईद का चांद देखने डैश पर चले गए, मीनार, पहाड़, छत। हाँ भाई, कहाँ जाएंगे? छत। जी ईद का चांद डैश ने देखा, हसन, इरम, साद। किसने देखा था बताइए? कहा था ना वो रहा, किसने इशारा किया था बताइए जल्दी से? इरम ने। जी घर की औरतें ईद के लिए डैश तैयार करने लगी, मीठा, बिरयानी, पुलाव। नहीं भाई, बिरयानी तो नमाज के बाद खाते हैं, मीठा। जी हाँ, मीठा, मीठा तैयार किया। अब्बू जान एक अदारे के डैश बच्चों के लिए ताहिब ले कर जाते थे, यतीम, मिस्कीन, मुकीम। हाँ ये जो है वहाँ यतीम बच्चे जो थे जिनकी जरूरियात जिंदगी हम सब मुसलमानों को पर फर्ज है कि हम पूरी करें, तो उन बच्चों के लिए वो ताहिब लेकर गए थे मेरे बच्चों से। मुझे यकीन है आप बहुत अच्छी तरह मेरी समझाई हुई बात समझ में आई होगी। खुशियां बांटने से डैश बढ़ती है, क्या बढ़ती है? हाँ, खुशियां बांटने से क्या बढ़ती है? कम होती है, जाया होती है? खुशियां बढ़ती है मेरे बच्चों, खुशियां बांटने से बढ़ती है। हसन ईद की नमाज अदा करने डैश गया ईदगाह, बच्चों ने बुजुर्गों से डैश वसूल की, ईदी दुआ, शाबाश ईदी। मुसलमान ईद उल फितर डैश की पहली तारीख को मनाते हैं, शाबान, रमजान, शवाल, यकम शवाल। यस मेरा बेटा, बिल्कुल सही। कमरे में डैश पड़े हुए थे, थैले, डब्बे, लिफाफे। डब्बे डब्बे थे ना जिसमें जरूरत उनके लोगों मुस्तहिक लोगों की, मुस्तहिक लोग कौन थे? जरूरतमंद लोगों के लिए चीजें और ताहिफ रखे हुए थे। अच्छा जी मेरे बच्चों, ये आपको साफ नजर आ रहा होगा घर का काम। घर का काम मैंने आपको क्या दिया? अल्फाज, जुमले से ये आप बना के लाएंगे। मैंने तो एक बना दिया, तो वो बना चुकी हूँ, लेकिन आप अपनी तरफ से बहुत अच्छे अच्छे और बनाइएगा। दर्जा जेल खाली जगहों को दुरुस्त जवाब मुंतखब करते हुए पूर्ण करें। जी मेरा बच्चा,
आपको यकीन है समझ में आ गया होगा और आप बहुत अच्छे तरीके से खाली जगह पूर्ण कर सकेंगे। अच्छा मेरे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगले लेसन के साथ मैं फिर हाजिर होंगी और आपको एक नजर देख लीजिएगा, दिन रात नजम है हमारी। अल्लाह हाफिज़।